रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। कल राजहंसगढ़ किले पर शिवाजी महाराज की मूर्ति का इफ्तिताह होने जा रहा है। पिछले कई महीनों से इस मूर्ति को लेकर सियासत गरमाती नजर आ रही है, जहां लक्ष्य में है बढ़कर की कोशिशों कविशों से इस मूर्ति को बिठाया गया है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। तो गोका के MLA और भाजपा लीडर रमेश जारकिहोली ने तमाम रुपया जो यहाँ लगाया गया है वो भाजपा सरकार का ही है, ऐसा दावा किया है। लिहाजा इसे लेकर तनाजा बरकरार था। अब 2 फरवरी को सरकारी तौर पर इसके इफ्तिताह अमल में लाने का ऐलान खुद रमेश जारकिहोली ने किया है। क्या कल के इजलास में रमेश जारकिहोली लक्ष्मी हब्बा कर एक ही स्टेज पर नजर आएंगे या नहीं, या फिर इस इफ्तिताह इजलास में कांग्रेस MLA जिनकी कोशिशें रही गैर हाजिर रहेंगे, ऐसी चर्चा भी जारी है। लिहाजा कल क्या फिर से दोनों हिमायतों के दरमियान बहस देखी जाएगी, क्योंकि बारह इससे पहले देखी जा चुकी है। कुल मिलाकर कल के इफ्तिताही इजलास पर आवाम की नजरें हैं। अब हर कोई भाजपा के दामन में जाकर अपना सियासी मुस्तकबिल तलाशने की कोशिश कर रहा है। आम आदमी पार्टी के साबिक पुलिस अफसर रह चुके भास्कर राव ने भी अब भाजपा का दामन थाम लिया है और आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी में जब शमूलियत इख्तियार की थी तो भाजपा के खिलाफ बड़े ही जोश के साथ बयानबाजी करते हुए देखा जा रहा था। उमूमन आजकल नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि भाजपा में शामिल हो जाओ और अपने आप को देशभक्त साबित करो, पैसा तो कमाओ लेकिन सरकारी एजेंसियों से भी बचो, क्योंकि करोड़ों का फंड आने की बात विपक्ष की जानिब से बारहा कही जा रही है। लिहाजा इसी को मद्देनजर रखते हुए शायद भास्कर राव ने भी भाजपा में ही जाना मुनासिब समझा होगा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। पिछले साल आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, एक साल के अरसे में ही भाजपा में शरीक हुए। जैसा उमूमन पार्टी छोड़ने पर इल्जाम तराशी की जाती है, उसी तरह रिश्वतखोरी रोकने में आम आदमी पार्टी नाकाम हुई है, ऐसा कहा। ग्लोबल वार्मिंग के मद्देनजर कुदरत इंसान पर नाराज नजर आ रही है। कुदरती आफतों का कहर भी मुख्तलिफ जगहों पर इलाकों में देखने को मिल रहा है। जंगली जानवर भी जंगलों से निकलकर इंसानी बस्तियों में दाखिल होते हुए देखा जा रहा है। पिछली मरतबा बेलगाम शहर में तेंदुओं का कर सभी ने देखा, किस तरह से पूरे बेलगाम वालों को हैरान करके रखा था। एक महीने तक फॉरेस्ट मौकमा जद्दोजहद करता रहा तो कई दिनों तक स्कूलों को भी बंद रखा गया था, लेकिन तेंदुआ हाथ नहीं लगा। इसके बाद लकड़बग्गा भी देखा गया। अब देसुर गांव में गवीरेड़ों की आमद से गांव वालों में खौफ देखा जा रहा है। 2 गवीरेड़ों का इस तरह दाखिल होना हैरान करते हुए फॉरेस्ट मौकमा पर भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। जहाँ तरक्की के नाम पर जंगलों को काटा जा रहा है, वही जंगली जानवर इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ते नजर आ रहे। देसुर गांव में दाखिल होते गवीरेड़ों का सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो चुका है। अबूरी सहूलत यानी इंटरियम डिस्काउंट के तौर पर रियासती वजीर आला बसवराज बोम्मई ने आज 17% सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह में इजाफा करने का ऐलान किया है। कुछ सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाह में इजाफा और पुराने पेंशन स्कीम को लागू करने का मुतालबा किया था, लिहाजा अब किसी तरह एहतजाज न करते हुए एहतजाज को वापिस लेने का ऐलान भी किया गया। तकरीबन 8 साल के बाद कैंटोनमेंट चुनाव होने जा रहे। 30 अप्रैल को चुनाव होंगे और 1 मई को नतीजे जाहिर किए जाएंगे। कैंटोनमेंट के 7 वार्डों के लिए चुनाव होने जा रहे। आज NPET स्कूल के 30 साल पूरे होने के मौके पर इजलास का एहतमाम किया गया था। शहर के मारूफ हस्तियों को यहां मधु किया गया था। किस तरह स्कूल की शुरुआत हुई है और फिर से कैसे तालीमी मैदान में गामजन हो रही है, इस पर तफसीलात पेश किए गए। खासकर इरशाद सौदागर और कैश नूरानी की मेहनतों का विषयों से स्कूल नए सिरे से तालीमी मैदान में आगे बढ़ रही है। स्कूल की नई इमारत इंतहाई बेहतरीन है और दिगर स्कूलों में बच्चों का दाखिला लेने से NPET को आगे बढ़ाने की गुजारिश स्कूल इंतजामिया की जानिब से की गई। अस्सलामु अलैकुम। आज बरोज़े बुध 1 मार्च NPET के इस हॉल में जो प्रोग्राम हुआ, इसका मुख्तसर हिस्सा ये है कि स्कूल का जो रिन्यूवेशन हुआ है पिछले 1.5-2 साल में, जो 30 साल पुराना हमारा हेरिटेज स्कूल ये है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ कर के पास हुए हैं,
तो ये स्कूल का एक रिनोवेशन हुआ है और हमारे क्लासरूम्स हैं, हमारे बाथरूम्स हैं, हमारा फसाद है, हमारे कंप्यूटर क्लासेस हैं, इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और ये एक नया एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ पे फॉर्म किया गया है जो आजकल के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ में बहुत मेल खाता है। ये स्कूल का पूरा सिस्टम अवाम के लिए है, बेलगाम के अवाम के लिए है। तो आज एक प्रोग्राम किया गया जहाँ पे तकरीबन 100 से 200 लोग जमा थे और उनके सामने पूरे स्कूल के डिटेल में पूरे अगराज व मकासद रखे गए और एक प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से सक्सेस हुआ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि आज आपने हमारी जो स्कूल पिछले 25-30 साल से चल रही है, आज पिछले एक साल में उसको कम्प्लीटली रेनोवेट किया है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो आज का मकसद था कि आज हम एक स्कूल हमारी कम्युनिटी को डेडिकेट करते हैं। आज सबसे ये दरख्वास्त है कि इस स्कूल, इस इदारे को आपकी ज़रूरत है। हम ये इदारा कौम के खिदमत में 25 साल से है और आज इस इदारे को, आज कौम को इस इदारे की और स्कूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाले दिन एजुकेशन फील्ड में मुश्किल होंगे, स्पेशली हमारी कम्युनिटी के लिए। हमारी कम्युनिटी को ज़रूरत है कि आगे आए, बढ़ चढ़ के आगे आए, स्कूल को सपोर्ट करे, एडमिशन्स यहाँ पे ले, डोनेशंस दे, ज़कात दे। ये एक ही तरीका होगा जहाँ से हम अपनी स्कूल को यूनिवर्सिटी लेवल तक ले जा सकते हैं। अगले 5 से 10 सालों में हमें, हमारे कौम को इसकी ज़रूरत है, लोग समझे और हमारा इसमें साथ दें। शुक्रिया। शबे बारात और होली के मद्देनजर मार्केट पुलिस थाने में पीस मीटिंग का एहतमाम किया गया था, जिसमें खड़े बाजार के ताजिरों और मुख्तलिफ जमात के जिम्मेदारान को मधु किया गया था। किसी तरह का तनाजा ना हो इसका ख्याल रखने की हिदायत भी दी गई और तमाम पुलिस महकमा भी इस वक्त मौजूद रहा। इस वक्त मुजम्मिल डोनी, बाबा जान मतवाले, शकील मुल्ला, कलीमुल्ला मुल्ला, अकबर बागवान, बाबूलाल मुजावर, अमानुल्लाह पठान, फजल पठान और दिगर जिम्मेदारान मौजूद रहे। आज मशहूर कव्वाल जुनैद कादरी ने सलमान टेलर कपड़ों की शोरूम को विजिट किया। मशहूर जुनैद कादरी कव्वाल वड़गांव निजामुद्दीन औलिया के उर्स के मौके पर बेलगाम तशरीफ ला चुके। आज कव्वालियों का प्रोग्राम वड़गांव दरगाह में रखा गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।